स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, आप लोगों के अपने YouTube चैनल पे। तो ड्यूक 200, ड्यूक आपका 125 और ड्यूक 250 का सिंगल आप लोगों ना वॉक अराउंड वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी देख ही चुके हो। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो होने वाला है आपका ड्यूक 125 और ड्यूक 200 के बीच में कंपैरिजन वीडियो। अगर आप लोग भी इस वाले सेगमेंट में अगर आप ड्यूक प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें दोनों में डिफरेंस देखने को मिलेगा उसके बारे में आप लोग अपन वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। छोटा ही वीडियो बनेगा, ज़्यादा कुछ चेंजेस हैं नहीं दोनों में ना, तो छोटा ही एक छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो अपना। तो पहले अगर अपन बात करें की तो दोनों में ही अपने को यही सेम अपने को की देखने को मिलेगी। बाकी उसके अलावा अगर आप लोग डिफरेंस की बात करोगे तो सबसे पहली जो बात अपन करते हैं तो थोड़ा बहुत दोनों में ना कॉस्मेटिक चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कॉस्मेटिक चेंज में क्या क्या है, एक तो ये वाला जो आप कलर देख रहे हो ये सिर्फ ड्यूक 125 में ही आता है। तो अगर आप लोगों को ये कलर ही लेना है, यही कलर ज़्यादा पसंद है, तो वो सारी बात ही खत्म हो जाती है, आप लोगों को ड्यूक 125 ही लेनी पड़ेगी। वहीं ड्यूक 200 में जो दो कलर आते हैं वो यहाँ पे लकीली अभी अवेलेबल है। तो एक तो अपना कलर वो ये है और दूसरा जो कलर है वो आपका होने वाला है ये वाला, ये वाइट ब्लैक है और ये आपका ऑरेंज ब्लैक है। दोनों में ही आपके अलॉय व्हील जो है वो ऑरेंज ही मिलेंगे। अब अलॉय व्हील की अगर अपन कलर की बात करेंगे तो ड्यूक 125 में जो है वो सारे कलर में जो भी दोनों कलर ऑप्शन है उसमें दोनों में आपको ब्लैक ही अलॉय व्हील का कलर देखने को मिलेगा। बाकी उसके अलावा अगर अपन दूसरे डिफरेंस की बात करें तो दोनों में आप लोगों को फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो सेम ही मिलेगी। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक उसमें है और 13.5 लीटर का ही इसमें है। अब दूसरी डिफरेंस की अगर आप बात करोगे तो फ्रेम वगैरह सब कुछ सेम है, वो चीज़ को डिफरेंस नहीं है। दूसरा डिफरेंस जो मेजर डिफरेंस है वो है आपका ABS का। तो ABS जो आप लोगों को ड्यूक 125 में मिलता है वो आपको मिलेगा सिंगल चैनल, यानी कि सिर्फ आगे वाले व्हील में। वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा लगता है देखने में आपका। ये है अपना ABS का रिंग, इसका सेंसर वगैरह सब अंदर ही रहते हैं, ये वाला जो इसका वायर है। तो 125 में अपने को मिलता है सिंगल चैनल ABS, वही बॉश कंपनी का मिलेगा दोनों में, मतलब 250 में भी बॉश ही मिलता है। और यही जो अगर अपनी 200 आ जाती है, ये 200 में आप लोगों को ड्यूल चैनल आपका ABS मिलता है। तो फ्रंट वाला आपने देख ही लिया, रियर वाला आपका ये है, तो इसमें अपने को ड्यूल चैनल ABS मिलेगा। हेलोजन वगैरह सब कुछ अपना हेलोजन ही मिलेगा, सेम DRL भी सेम ही है, बाकी सब कुछ ऊपर से जो भी है सब कुछ सेम है, बस ABS की बात है इसमें। उसमें सिंगल चैनल है, इसमें ड्यूल चैनल ABS है। अब जी जो तीसरा और सबसे मेजर जो दोनों में डिफरेंस है ना वो है आपका पावर। तो जो अपना 200 है ये आपका है अपना 20 BHP के आसपास, और जो 125 है वो है आपका 14.5 BHP के आसपास। तो अब वही एक एग्जांपल सी बात है, 125 और 200, तो जो अगर आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पन चाहिए तो उसके लिए आपको 200 पे ही जाना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके दोनों अपना ड्यूल चैनल ABS आ जाता है, उसमें सिंगल है, और सबसे मेजर डिफरेंस जो है ना दोनों में वो है प्राइस का। तो प्राइस का इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग 20,000 रुपये का फ़र्क है। तो 20,000 अगर आप लोग एक्स्ट्रा डालते हो और इतना अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों को ये मिल जाता है ड्यूक 200 125 के ऊपर, तो मतलब कोई ज़्यादा नहीं है 20,000 रुपये, तो ज़्यादा मतलब इतनी कोई है नहीं। इसमें आप लोगों को एक जो बूस्ट मिलेगा 200 cc का वो 125 ही रहेगा, तो वो भी है। और बाकी जो भी दोनों में कॉस्मेटिक चेंजेस हैं जैसे कि ABS है वगैरह, पावर है, तो ये चीज़ अपने को अलग रहेगा ही, जाहिर सी बात है, टॉर्क भी इसी का ज़्यादा रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप लोग मेरी चॉइस पूछते हो तो इन दोनों में अगर आप लोग ड्यूक 125 और ड्यूक 200 में कोई चॉइस चाहते हो तो वो है आपकी ड्यूक 200। और यही अगर आप इसमें ड्यूक 200 और 250 में आ जाते हो तो इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस आएगा वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वो हो जाता है लगभग 60-65 हज़ार के आसपास। तो वही चीज़ है, बाकी दोनों का इनका 125 का और 200 का एवरेज भी लगभग सेम ही है, वही 35 से 40 के बीच में, जो कि कस्टमर का क्लेम है, जो कि कस्टमर्स के थ्रू इनको बताया हुआ है उस टाइप से, तो वो भी एवरेज वगैरह भी सेम ही है।
तो चलो एंड करते हैं इस छोटे से वीडियो को, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बनाया था कि क्या क्या सब कुछ रहता है। बाकी रियर भी अगर आप लोगों को देखना हो तो रियर भी इनका दोनों का ना बिल्कुल सेम है, ये दोनों सिंगल फ्रेम में आ गई, तो रियर भी इनका सेम है। रियर तो 250 का भी जो आप देखोगे ये गाड़ी खड़ी है तो 250 का भी सेम ही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, कि कोई भी आपका दोस्त इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हो तो उनसे आप लोग ये वीडियो अपना शेयर कर सकते हो। और चैनल पे नए हो, पहली बार आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और आप लोगों ने मुझसे ज़रा भी कनेक्ट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन आप लोग दबा ही देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे, जब तक के लिए टेक केयर एंड राइड सेफ।